इंग्लिश का एग्जाम है, सो आई एम रियली श्योर कि यू ऑल आर वेटिंग फॉर दैट प्रेशियस डे एंड अ बिग डे। ऑलराइट, बट उस दिन के आने से पहले हम एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं जो रिलीज किया है सीबीएसई ने, कि किस तरीके का एग्जाम पेपर आपके सामने आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। सो ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन टुडेस सेशन। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड आपको पूरे अच्छे से समझ लेना है कि किस तरीके से हम कौन से सेक्शन में किस तरीके से आंसर देंगे, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और किस तरीके से हमें मेनली इंग्लिश के एग्जाम में राइटिंग करनी है, कैसा प्रेजेंटेशन रखना है, कैसा फ्रेमिंग रखना है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन बी, जिसमें आपकी ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन दोनों होते हैं। पहले ये बी एंड सी सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अब से ये सेक्शन बी में ही ग्रामर एंड राइटिंग दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सेक्शन बी में आपका जो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर बेस्ड हैं, और ग्रामर के 12 क्वेश्चंस में से आपको ओनली अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस। ओके, सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ा तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिस आउट हो जाती है। ऑल राइट, सो ऑलवेज इन एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स एंड एवरी सब्जेक्ट आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से रीड आउट करने हैं। So, यहाँ लिखा है attempt any 10 of the following questions, और ये 10 मार्क का है, और each question जो आपका each question है वो 1 मार्क कैरी करता है। ऑल राइट, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस काइंड ऑफ के क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर में से, क्योंकि ग्रामर का बहुत बड़ा एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है, सब कुछ टेंसेस, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से सो यू कैन अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर पार्ट ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, fill in the blank by choosing the correct option to complete an online update. So the climate control comment by an activist dash on social media yesterday, and options are blow up, blew up, is blown, will be blown. So aapko yesterday dekhkar hi dimag mein ghanti bajni chahiye ki yesterday hai, to it will be simple past tense. So simple past tense ka structure kya hota hai, subject प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का। सो ब्लू अप यानी कि ब्लो अप की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू अप, ब्लो अप बिल्कुल भी नहीं आएगा ब्लो अप क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इज ब्लोन बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि यस्टरडे इज मेंशनड हियर, एंड विल बी ब्लोन भी नहीं आ सकता क्योंकि ये फ्यूचर टेंस को बताता है। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देखो कितना इजी पीजी क्वेश्चन है, ये क्यों सॉल्व हुआ, बिकॉज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, एंड यू नो जब भी यस्टरडे आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस की ही बात होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्वर्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट जो कॉन्वर्सेशन हो रही है डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, उसको आपको सॉल्व करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सो इनडायरेक्ट स्पीच के आपको रूल्स पता होने चाहिए, जब आपका प्रेजेंट टेंस होता है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑल राइट, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट होता है, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड है, सेज है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आपका आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, और अगर वो पास्ट टेंस में है सो आगे वाला भी पास्ट टेंस में रहेगा। सो लेट्स सी कि इसमें प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। डॉक्टर, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन, पेशेंट सेज Yes, I do not stay in a good mood. So the doctor while trying to, ये अब आपको half solve करके दिया हुआ है, so अब आपको इसके आगे का fill in the blank को solve करना है। So the doctor while trying to figure out his patient's ailment asks about his well-being, to which the patient affirmed. So patient ने क्या बोला होगा वो आपको इसमें लिखना है। Yes, I do not stay in a good mood. So, यहां पर आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके यहां लिखना है। सो व्हाट यू कैन राइट,
affirm that he does not stay in a good mood. So I change हो गया he में, he के साथ में आएगा s और es, तो does not in a, stay in a good mood. So same to same ऐसा आपने लिख दिया. Addition of sometimes, time to time, acceptable. All right. So ये आपका हो गया question number 2. जितना इजी था आपको इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करके लिखना था. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवर्टीजमेंट रेड इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड. सो यहाँ पर मॉडल वर्ब लगाना है आपको. सो ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी बिल्कुल कंफर्म कोई बात कही जाए तो वहां पर क्या यूज होता है, विल यूज होता है. So options है must, should, will and ought to. So आपको देखना है कि if you smoke statistically your story dash and 15% before it should. So यहाँ पर क्या आ जाएगा, will आ जाएगा. All right? चलो आगे बढ़ते हैं. आपका error and omission question जो अभी तक में केवल यही based आते थे लेकिन अब ये options में आता है. So ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं. यू जस्ट नीड टू चूज वन क्वेश्चन. ओके, सो ये पैटर्न चेंज हो चुका है. अभी तक के पेपर्स में एरर एंड ओमिशन क्वेश्चंस आते थे एंड इनडायरेक्ट स्पीच कॉन्वर्जेशन जो हमने किया है वैसा आता था, लेकिन अब आपके एमसीक्यूज भी होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं. सो लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट. So, आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से इन्होंने एरर और करेक्शन किया हुआ है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है. सो चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन नहीं आएगा क्योंकि अ चाइल्ड लिखा हुआ है. लास्ट वीक तो लास्ट वीक की होगा. ठीक है, सी में लिखा है द एंड ए. सो लास्ट वीक द चाइल्ड, सो द कैसे आ सकता है, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. डी में लिखा है एट और इन, सो यहाँ पर एट ही आएगा. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, द की जगह ए आएगा, वहां पर द चाइल्ड नहीं आएगा, अ चाइल्ड ही आएगा. ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीक चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन, नहीं ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है. लास्ट प्रीवियस, लास्ट की जगह प्रीवियस भी नहीं आ सकता है. चाइल्ड के चिल्ड्रन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है. ऑल राइट, देन लास्ट, लास्ट ही आएगा सी, द की जगह ए. सो द लास्ट वीक चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, द प्लेन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए, और एट की जगह इन नहीं आएगा, एट ही आएगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ओवर डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पास्ट टेंस चल रहा है. सो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा, ये श्योर हो गया है. कंडीशनल सेंटेंस है. So will washed will not come, had washed will not come, will have washed नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर washed. ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे और perfect इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, past continuous है, तो past perfect नहीं आएगा. So correct answer हो जाएगा D, washed. All right, next. So fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. Subject, request for approval. Dear sir, this is to respectfully submit that I. अब यहाँ पर हम हमेशा simple present tense में ही लिखते हैं, तो सीख ही आ जाएगा. इसकी practice तो आप लोगों ने बहुत बार कर रखी होगी by letter writing. Okay? Next है, grandson, grandpa, who are your superheroes? अभी अगेन वही है जो हमने कॉन्वर्सेशन स्टाइल में जो क्वेश्चंस आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है. ग्रैंडपा, एनीवन हु शोस काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. सो इन रिस्पांस टू द क्वेश्चन अबाउट सुपर हीरोज, ग्रैंडफादर सेज दैट, क्या कहा ग्रैंडपा ने, एनीवन हु शोस काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. सो व्हाट यू कैन राइट, ग्रैंडफादर सेज दैट
इट इज एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. बस आपको इट इज लगाना है इसकी जगह. इट इज एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. पिक्चर खत्म है ना. दैट्स ऑल. इसी टाइप के आने चाहिए. बस आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस और आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन जरूर होना चाहिए. देन यू कैन अटेम्प्ट ग्रामर एनी क्वेश्चन. नेक्स्ट. In order to balancing the sentiments of eagles and the hawks, the student council suggested a rematch between the teams. So आपको इसमें error and correction दोनों लिखने हैं. और कितनी अच्छी बात है कि आपको 12 options दिए हैं, उनमें से 10 questions ही attempt करने हैं. So any two questions आपको बहुत ज़्यादा confusing लग रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी attempt मत करना. Okay? So in order to balancing, अब यहीं पर ही पता चल गया टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस. दिस इज द करेक्ट आंसर. फाइन. सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी. रिपोर्ट तारिक क्वेश्चंस. सो आपको इसमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. सो तारिक आस्क्ड सुनील इफ या वेदर, कुछ भी एक चीज लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगाने हैं आपको. मैं तो आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, इसलिए दोनों लगाए. यू हैव टू पुट ओनली वन, इधर दिस और दिस. ओके. सो ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी. ऑलराइट. सो यहाँ पर आपको बस इसको सॉल्व करना है इस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके. ऑलराइट. डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस. सो मॉडल का है, विल वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, मे बी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, Need we afford to neglect children? Can we afford to neglect children? So बहुत ही इजी है कि क्या हम बच्चों को इग्नोर करना, अवॉइड करना अफोर्ड कर सकते हैं. क्या कैन, नीड नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, तो कैन ही आएगा. क्या कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कैन. ऑल राइट. नेक्स्ट. फादर Why ask you many questions, Lata? Lata, I believe that if you don't know the answer, keep asking till you do. So, again, indirect speech mein you have to complete it. Father asked Lata the reason for the many questions he was asking. Lata explained good humoredly that in event of not knowing the answer, one should keep asking till one does. Kept asking, bilkul nahi aayega, kept. Keep asking till one do, no, do भी नहीं आएगा, kept again नहीं आएगा, तो first वाला answer आपका correct हो जाएगा. Keep asking till one does because everything is going in present tense. Fine. The last question from the grammar part. So यहाँ पर identify the error. आपको error देखनी है. On a shop's hoarding and supply the correction for the following sales offer. So Gumnam and Daughters Private Limited. Massive discount for all senior citizens vaccinated with the precautionary dose. So, massive discount for all senior citizens. ये आपका थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, massive discount for each senior citizen. हमने subject verb conquered पढ़ा है, so यहाँ पर आ जाएगा each senior citizen vaccinated with the precautionary dose. All right. So, ये हो गए आपके ग्रामर के क्वेश्चन. नाउ अब आपके राइटिंग सेक्शंस में आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ्स एंड लेटर राइटिंग. ओके. सो लेटर टू एडिटर्स होते हैं. सो ये आपको इनमें भी दो ऑप्शंस आते हैं, लेटर्स के टू ऑप्शंस एंड पैराग्राफ में टू ऑप्शंस. आपको एक एक दोनों का अटेम्प्ट करना होता है एंड एवरी क्वेश्चन हैज 5 मार्क. ओके. 5 मार्क का वेटेज आपका होता है. सो अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो. So you are Sunidhi Prakash, the vice captain of Brilliant Vidyalay, Bara Kanpur. You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. So message kya hai? Lose weight in just a month. A wanted diet comes to your rescue. A privilege available for only a few. So aapko write a letter to the editor of the DWA in not more than 120 words. Drawing attention towards harm caused by such advertising, propose the implementation of wholesome lunch month in schools as an idea to address such practices. Mention the advantages and share suggestions to foster
हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स। सो इस एडवर्टीजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको सजेशन देने हैं और आपको पूरा एडवांटेजेस बताना है कि कैसे आप हेल्दी फूड को खा करके बिल्कुल हेल्दी लाइफ को लिव कर सकते हो। इजी पीजी सा क्वेश्चन है, बस यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मेट, देन बॉडी लैंग्वेज। ये आपके बिल्कुल सुपर ऑसम होने चाहिए क्योंकि इन्हीं के मार्क्स होते हैं। एंड देन लास्ट में क्लोजिंग, राइट, ये आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, देन यू कैन गेट 5 out of 5 मार्क इन लेटर राइटिंग। सो फॉर अ सजेशन मैं आप लोगों के लिए पूरा सोल्यूशन लेकर आई हूँ, सो यू कैन सी हाउ यू कैन फ्रेम अ लेटर ऑल्सो। ऑल राइट, ब्रिलियंट विद्यालय बारह कानपुर, सबसे पहले आपको सेंटर्स एड्रेस लिखना है, अगर नहीं है क्वेश्चन में सो फिक्शनल एड्रेस आपको फ्रेम करके लिखना है। ऑल राइट, ब्रिलियंट विद्यालय में गिवन था इसलिए हम यही लिखेंगे। Then 29th August 2022, डेट कोई भी लिख सकते हैं। द एडिटर द DWA K21 अंजनापुरा कानपुर, सब्जेक्ट नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। सो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा रिसीवर्स देन एड्रेस सब्जेक्ट एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन। ऑल राइट, सो दिस इज द फॉर्मेट। देन बॉडी लैंग्वेज यहाँ आपको सेम पेज पर ही लिखना है, मैं आपको विजिबिलिटी के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के आई हूँ, बट आपको सेम पेज पर ही सैल्यूटेशन के जस्ट नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है। दिस इज विद रेफरेंस टू पोस्टर्स बेयरिंग द मैसेजेस of crash diet being posted around our school premises, such posters impact youngsters negatively and can be hazardous to their self-esteem. I would like to propose the idea of implementing wholesome lunch month for all school students to counter the implications of such misleading advertisements. The initiative is sure to encourage all students to bring nutritious and healthy lunches daily, develop and healthy eating routine. So, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम बता दी कि कहाँ पर किस तरीके से मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, मिस एडवर्टीजमेंट हो रहा है। सो प्रॉब्लम बता दिया, कॉज बता दिया, उसका इम्पैक्ट बता दिया कि स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स पर कैसे फर्क पड़ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, देन आप सजेशन दे दोगे। ऑल राइट, कोई थैंक यू कुछ लिखना है, योर्स ट्रूली सुनिधि प्रकाश वाइस कैप्टन। That's all. So, ये था आपका लेटर वन। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है, इन दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है, यू आर जैक शकीरा, रेजिडेंट ऑफ 412 मगना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स, गांधी मार्ग, जौनपुरा, मुंबई। 3 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 फ्रॉम योर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैव rescued and rehabilitated a few old beggars from the neighborhood. You think that their work deserves appreciation and recognition? Write a letter to the president of the RWA seeking recommendation for these youth to be nominated for serving citizens award. Suggest other ways such acts of kindness could be recognized and awarded in the future. So, आपको प्रेसिडेंट को लेटर लिखना है। पूरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये सजेस्ट करते हुए लिखना है लेटर कि यूथ्स को नॉमिनेट अवार्ड्स ये वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। सो दिस इज द अगेन फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट एंड देन सैल्यूटेशन। ऑल राइट, अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो फिक्शनल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद अब देखो, आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, 120 वर्ड बोला है तो आपको 120 में ही फिनिश कर लेना है, क्योंकि अगर एक्सीड करते हैं वर्ड लिमिट को तो उतने ही चांसेस होते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के, स्पेलिंग एरर्स के। एंड मेक योर सेंटेंसेस इन इजी फॉर्म, नॉट यूज सो स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, नॉट सो यूज सो लो वोकैबुलरी, जस्ट यूज स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, मॉडरेट वोकैबुलरी यू हैव टू यूज इन योर एग्जामिनेशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलो सो अगेन इसमें हमने सारा सजेशन सब कुछ दिया है एंड रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें अवार्ड्स मिले। सो आई एंट्रीट यू टू एड्रेस दिस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड इशू द रिकमेंडेशन
लेटर्स, ये लाइन आप जरूर मेंशन कर दें ताकि आपको रिप्लाई चाहिए. सो ये मॉडरेट लैंग्वेज हमने पूरी यूज करी है. चलो अब बढ़ते हैं हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ पर. मुझे लगता है ये बहुत इजी होता है, बट बहुत बच्चों को डर लगता है एनालिटिकल पैराग्राफ से, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है क्या लिखना है. सो बेटा, आपको सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में इटसेल्फ, बस आपको क्या करना है उन पॉइंट्स को सेंटेंसेस में फ्रेम करके लिखना है. दैट्स इट, बस इतना सा लिखना है आपको. देखना, अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. सो गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबर्ब्स. शी बिलोंग्स टू अ नियर बाय विलेज, हैज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर, हैज अ रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप. राइट पैराग्राफ इन अबाउट 100 टू 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर स्वॉट, यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस. ओके, एंड सो स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. नोट्स टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड जॉइन नॉट जॉइन द कॉलेज. सो बेटा, आपको स्वॉट भी गिवन है. ये देखो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये सब कुछ गिवन है. You just need to frame the answers on the basis of all these points. बस आपको इनके basis पर लिखना है. The solution है. So in support of the decision लिखोगे, against the decision लिखोगे. बस ये दो आपको part करने हैं दो paragraph में, and 120 words में इसको complete करना है. 3 to 4 lines इसमें, 3 to 4 lines इसमें. आप इसमें से भी cut out कर सकते हैं lines. मैंने आपको एक्सट्रीम बता दिया है कि आप इस तरीके से एक्सट्रीमली अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जाके आपको 4 to 5 lines ही लिखने को बनेगा. ऑल राइट, सो द गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट द ऑप्शंस गुरमीत वुड वे इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजंस अबाउट हर एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज. मेन जो इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, सेम टू सेम ऐसा लिखना है. With availability of strong curriculum, quality faculty and vibrant activity club, she will be assured of an engineering educational journey. अभी जितने भी points हैं, ये देखो, आप सब कुछ given है. Strong curriculum, quality faculty, vibrant activity clubs, everything is given in the question. You just need to frame the sentences. समझ में आ गया? इसी तरीके से frame किया है पूरा का पूरा paragraph आपका. All right? नेक्स्ट है जो और में है क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है. रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. किड्स डू अप्रिशिएट हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड केयर गोज इनटू अ ग्रोइंग फूड, विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट फार्मर्स आर एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ. इन द वर्ल्ड ऑफ टूडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पोर्ट्स, music and dance in all schools because it creates environment stewards and outdoor learning laboratories that help the child and community for years to come. So again, 5 mark का है ये भी. दोनों में से जो भी करोगे 5 mark का ही है. So you could think about what alternative explanations might weaken the given conclusion and include rationally evidence that would strengthen counter the given argument. सो आपको इसको भी 2 parts में डिवाइड करके लिख सकते हो और 1 flash भी लिख सकते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट. अगर इस तरीके से लिखोगे, इट शोज द गुड प्रेजेंटेशन. जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की कॉपी में इसी तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है. सो आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. सो ये पूरे पॉइंट्स आपको गिवन है, बस आपको फ्रेम करके लिखने हैं सेंटेंसेस में. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सेक्शन बी. अभी हम इनको पढ़ भी लेंगे, इनको रीड करके मैं आपको बता दूंगी, बट ऑफकोर्स दीज क्वेश्चन आर नॉट गोइंग टू कम इन द इन योर एग्जामिनेशन. डिफरेंट टॉपिक आएगा, बट इसी अकॉर्डिंग, इसी प्लेटफॉर्म और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं. ये आप अपने ब्रेन में रखना, कीप इट इन योर माइंड कि आपका बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा, बस क्वेश्चन डिफरेंट होंगे. ऑल राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सेक्शन बी. अब जो डर होगा सेक्शन बी को लेकर के, मुझे लगता है वो रिमूव हो चुका होगा. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द सेक्शन ए एंड सी. ऑल राइट, स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू.